नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद एमएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएफओ की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ईपीएफओ द्वारा ब्याज दर में 25 बीपीएस की कटौती की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आर्थिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने निवेश पर वेतनभोगी श्रमिकों के रिटर्न को कम करते हुए ब्याज दरों को 15 से 25 आधार अंक कम करने की संभावना की है। 2018-19 में सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक ने वित्त मंत्रालय के साथ 7 महीने की चर्चा के बाद अपने ग्राहकों के लिए 8.65% की दर निर्धारित की थी, रिपोर्ट में कहा गया है। ईपीएफओ को अपने निवेश अधिकारियों, कार्यकारी समिति के सदस्यों और केंद्रीय नियासी बोर्ड के साथ बैठकों के बाद जनवरी के अंत तक ब्याज दर की घोषणा करने की उम्मीद है। ईपीएफ की वार्षिक ब्याज दर में कटौती संभव है। आर्थिक मंदी के कारण ऋण बाजार साधनों पर कम पैदावार और सार्वजनिक भविष्य निधि जैसे समान प्रसाद पर कम दरों के कारण वर्ष की दर की गणना करते समय ईपीएफओ इन कारकों का ध्यान में रखेगा। आर्थिक मंदी इस साल दिखाई दे रही थी। अधिकारी ने कागज के हवाले से बताया कि डेट इंस्ट्रूमेंट पर पड़ने वाला रिटर्न ईपीएफओ को 2019-20 पे आउट के लिए बाध्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2019 और जनवरी 2020 के बीच 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों में 85 से 90 आधार अंकों की गिरावट आई है और ईपीएफओ की आय पर इसका वजन कम होगा, एक अन्य अधिकारी ने ऐसा कहा। अधिकारी ने कहा कि ब्याज दर पे 15 से 25 आधार अंकों की कटौती एक आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।